हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर एक भी वीडियो मिस ना करें। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मेरे पेज आया व्लॉग्स में। फॉलो कर लीजिए मुझे बोलो इंडिया पर, अगर अभी तक नहीं किया। पतंग उड़ रही है और मुझे लग रहा है मैं डिस्टार्ट होने वाला हूँ, लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बाल इतने बड़े हुए हैं और जो मूछ इतनी लंबी हुई है, ये बोलो इंडिया देख देख के हुई है। मतलब इतने टाइम से मैं से बोलो इंडिया पर ही ध्यान दे रहा हूँ कि ये सब इस पर ध्यान गया नहीं। लेकिन मैं आज जोक्स अपार्ट में बात ये करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का सोच रहा था कि सुपरस्टार तक की जो जर्नी रही है मेरी बोलो इंडिया पर, उसका क्या एक्सपीरियंस था। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मुझसे पहले भी कई लोग हैं और मेरे साथ भी कई लोग हैं जो सुपरस्टार बने हैं, और वो क्यों बने मैंने उनका कंटेंट देखने की कोशिश की, उनसे समझने की कोशिश की। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं, चाहे वो राजीव जी हो, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो भव्या हो, चाहे वो राहुल है, हर किसी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो मैं कुछ कुछ बातें हैं जो आपसे, आपको, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है मैं उसमें गलत हूँ, सही हूँ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक वीडियो में अपनी तरफ से भी लिखा हूँ। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि उनकी क्या क्या खासियत है। तो पहले हम क्लियर कर देते हैं कि राजीव द हीलर जो है वो वन ऑफ हमारे सुपरस्टार बोलो इंडियंस है और वो एस्ट्रोलॉजी पे कंटेंट बनाते हैं। अब मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पर मेरा विश्वास थोड़ा सा कम रहता है, और कई बार ऐसा भी हुआ है एक लाइफ टाइम में कि हाँ, टेंथ के बोर्ड में मैं बहुत सुपरस्टिशियस हो गया था, तब मैं ये सब बहुत देखता था कि आज का राशिफल क्या है, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने उनके कंटेंट में रियलाइज किया कि उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों को ब्रेक डाउन किया, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या फिर आपको ये सब में लगता है कि इससे अपनी लाइफ बदल सकते हैं, तो डेफिनेटली उनका कंटेंट चेक कीजिए। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया, ये मुझे बात उनकी बहुत अच्छी लगी। अब आते हैं हम प्रकाश पे। प्रकाश एक ऐसा बंदा है जिसका मैंने देखा है कि उसका कंटेंट आप कभी भी देखोगे ना, तो वो एक एक कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि हर कंटेंट में, अगर वो उसने शायद पिछले साल भी डाला हो, तो भी मेरे को लगता है कि उसके कंटेंट में वो बात है कि मैं उसको आज भी देख के एंजॉय कर सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ। सेम गोज फॉर राहुल एज वेल। राहुल का ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राहुल अपना बैकग्राउंड बहुत अच्छे से रखता है। और भव्या के जो मुझे बेस्ट लगते हैं वो है ओरेशनल स्किल्स, ओरेटरी स्किल्स, जिस तरह से कि हे गाइस भव्या पावरफुल एकदम, सो थैंक यू। ऐसी और वीडियोस को अपनी भाषा में देखने के लिए प्ले स्टोर से बोलो इंडिया को अभी डाउनलोड करें।